Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 11. The chapter name is Light, Shadow and Reflections. Okay. Today topic is what exactly are shadow? Shadow exactly hote kya hai, hai na? So a shadow is formed when light is stopped by an object. Ek shadow wo cheez hai jo light object ki jitni light ko stop karti hai wahi hamari kya ban jati hai, shadow ban jati hai, ek dark patch. Jaise ek book ka dark patch hame dikhai de raha hai to book ke corners mein se to light kya hogi emit hona start ho jati hai, lekin book ek opaque object hota hai, that's why wo light ko apne andar se pass through nahi hone deta hai. To jis jagah par light pass through nahi hui hai us jagah par ek dark patch hame saaf dikhta hai, usi ko hum kya bolte hain, shadow. To shadow ki simple definition hai, ek shadow is formed when light is stopped by an object. तो ये हमने टू एक्टिविटी एक्टिविटी टू रीड कर ली थी, एक्टिविटी वन रीड कर ली थी. ओके, तो हमने इस दोनों एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकाला था कि हमें ये चीज क्लियर हो गई थी कि किसी भी शेडो को फॉर्म करने के लिए टू थिंग्स रिक्वायर हैं. अभी तक हमने देखा था, एक तो लाइट सोर्स रिक्वायर होता है, सेकेंड एक ऑपेक ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो हम एक्टिविटी थर्ड से रीड करेंगे कि हमें और एक और कौन सी चीज है जिसको शेडो फॉर्म होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है. तो एक्टिविटी थर्ड. ओके, this is an activity that you will have to do in the dark. ये वो activity है, अपन क्या करते हैं, हम एकदम dark room में चले जाते हैं. In the evening, go out and open ground with a few friends. आप evening के time पे अपने friends के साथ में ground में जाएं. Take a torch and a large sheet of cardboard with you. एक टॉर्च लेनी है और एक लार्ज शीट का कार्डबोर्ड आपको लेके जाना है. Hold the torch close to the ground and shine it upwards so that its light fall on your friend's face. आपको टॉर्च को इस तरीके ऑन करके उसको इस तरीके से करना है कि उसकी जो टॉर्च की लाइट है वो आपके फ्रंट के फेस पे आए. You know, have a source of light that is falling on the opaque object. तो आपको पता है कि जब भी लाइट सोर्स जो है एक ऑपेक ऑब्जेक्ट पर, अब जो हमारी बॉडी है या आपकी फ्रेंड की जो बॉडी होगी वो कैसी है, ऑपेक ऑब्जेक्ट है, हमारे अंदर से लाइट पास थ्रू थोड़ी होती है या हमारे अंदर से आर पार थोड़ी दिखाई देता है, तो हमारी बॉडी कैसी है, ऑपेक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इफ देयर आर नो ट्री, आस पास में कोई भी ट्री नहीं है, नो बिल्डिंग आर देयर, एनी अदर ऑब्जेक्ट बिहाइंड योर फ्रेंड, और कोई भी अदर ऑब्जेक्ट नहीं है आपके फ्रेंड के आस पास में, वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड अहेड, दिस डज नॉट मीन दैट देयर इज नो शेडो. अब देखिए, आप ये जो गर्ल यहाँ पर है, सपोज करते हैं ये गर्ल यहाँ पर नहीं है और आप सिर्फ सिंपल लाइट किसी के फेस पे इस तरीके से अपने फ्रेंड के फेस पे लाइट शोन करोगे तो देखो, फॉल करोगे तो देखोगे कि भाई उसकी इमेज आपको कहीं पर भी शेडो नजर नहीं आएगी. ठीक है, लेकिन क्या ऐसा है कि सच में उनकी शेडो नहीं बन रही है? लाइट सोर्स जब होगा सामने ऑपेक ऑब्जेक्ट होगा शेडो बनेगी ही बनेगी, लेकिन क्या अभी हमें वहां पर कोई भी शेडो नहीं दिखाई दे रही है. अब हम क्या करते हैं, ऑल द लाइट ऑफ द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू दिस बॉडी अदर साइड. अब जो फ्रेंड है आपका उसकी बॉडी से तो पास थ्रू हो नहीं सकती. नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्डबोर्ड. आपका जो ये दूसरा फ्रेंड है उनको कहो कि जो कार्डबोर्ड है ना उसको होल्ड करके आपके फर्स्ट फ्रेंड के बैक साइड में स्टैंड कर लें, खड़े हो जाए. ठीक है, तो इस द शेडो नाउ सीन द कार्डबोर्ड शीट. अब आप वापस से वैसे ही टॉर्च को उनके फेस पे फॉल कराते हो तो आपके पास में जो कार्डबोर्ड है, ठीक है, आप देखते हो कि कार्डबोर्ड पर आपको शेडो दिखाई देने लगती है. ठीक है, तो द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन स्क्रीन. जो शेडो है वो हमेशा किसी स्क्रीन पर आएगी. वो स्क्रीन ग्राउंड हो सकती है, वॉल ऑफ द रूम हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, एंड अदर सच सरफेस एक्ट एज अ स्क्रीन फॉर द शेडो यू ऑब्जर्व इन एवरी डे लाइफ. आप अपनी स्क्रीन को जो भी शेडो है हमेशा वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी. ठीक है, अगर स्क्रीन नहीं है तो वो दिखाई नहीं देगी. शेडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. शेडो से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी शेप कैसी है. समटाइम्स शेडो कैन ऑल्सो मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एरिया ऑफ शेडो दैट वी कैन क्रिएट विद अवर हैंड्स एंड मेक बिलीव देम दे आर शेडो ऑफ डिफरेंट एनिमल एंड हैव फन. आप इस तरीके के गेम्स आपने देखे होंगे कि आप अपने हाथ को इस तरीके से अरेंज करके फॉल्स इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, है ना. तो हमेशा शेडो एक शेप देने का काम करती है, लेकिन कई बार फॉल्स शेडो बन जाती है. जैसे अभी तो हमारे हाथ है लेकिन हमें क्या लग रहा है, यहाँ पर जैसे बर्ड है या डक का फेस है या डॉग का फेस है ना. तो हमें इस तरीके से लगता है कि ये अदर अदर फेस है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये हमारे हैंड है. तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जो शेडो है वो प्रॉपर हमें बता पाए कि इमेज किसकी बन रही है. तो फॉल्स ऑब्जेक्ट शेडो भी बन सकती है.
जो हमें फॉल्स आइडिया देती हैं, ठीक है। तो अब हमने इस एक्टिविटी थर्ड से क्या रीड किया, एक्टिविटी थर्ड से ये रीड किया कि किसी भी शेडो के फॉर्म होने के लिए थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड है। फर्स्ट वन इज लाइट सोर्स, सेकंड एक वन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड थर्ड वन इज स्क्रीन। एक स्क्रीन होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्क्रीन ऑन विच द शेडो इज फॉर्म, स्क्रीन वो जिसके ऊपर शेडो क्या हो, फॉर्म हो। क्लियर। अब देखिए, आपने इसमें अपन एक और एग्जांपल को इंक्लूड कर सकते हैं कि आपने कभी बर्ड्स को फ्लाई करते हुए देखा होगा, है ना। तो देखिए, मॉर्निंग के टाइम पे सन है, लाइट सोर्स है, बर्ड जो है ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। आपने देखा होगा जब स्काई में बहुत वो थोड़ा ऊपर जब बर्ड फ्लाई करते हैं तो क्या आपको उनकी इमेज नीचे दिखती है कि आप नीचे बैठे हुए अचानक से एक बर्ड की फ्लाई हुआ उसकी इमेज आपके ऊपर से जा रही है, नहीं होता ना ऐसे, क्योंकि उनकी स्क्रीन वहां पर नहीं बन पाती। लेकिन कोई बर्ड अगर बिल्कुल ग्राउंड के पास में मूव कर रहा है या फ्लाई कर रहा है तब उनकी इमेज बनती है। तो स्काई में क्या है, एयर है, आसपास में क्या है, एयर है। तो एयर होने के कारण हमें उनकी इमेज नहीं दिखती क्योंकि वहां पर कोई स्क्रीन नहीं होती है। सेम ऐसे ही एरोप्लेन है, वो ऊपर से जा रहा है अगर डे टाइम में तो सन एज अ लाइट सोर्स है, और एरोप्लेन जो है वो ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन एयर के अंदर एटमोस्फेयर में कोई स्क्रीन ही नहीं मिल रही जहां पर उनकी शेडो बनेगी। लेकिन वही एरोप्लेन जब ग्राउंड के बिल्कुल पास में आ जाता है तब हमें उसकी एरोप्लेन की जो है शेडो दिखनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारे शेडो बनने के लिए स्क्रीन कितनी इम्पोर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट, शेडो का ही एक नेक्स्ट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम कहेंगे कि इन विच डायरेक्शन इन अ शेडो फॉर्म, कौन सी डायरेक्शन में शेडो फॉर्म होती है और उसकी जो लेंथ है वो कितनी ज्यादा और कितनी कम होती है, ठीक है। तो प्लेस अ चेयर इन अ स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे, एक सनी डे है उसमें आप क्या करें, स्कूल ग्राउंड में एक चेयर को रख दें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर, आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे शेडो की। तो डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑन द शेप ऑफ द पिक्चर, क्या जो चेयर की जो शेडो बन रही है क्या एक्यूरेट चेयर की जैसी ही होती है, नो। इफ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, अगर हम चेयर को थोड़ा सा टर्न कर दें, हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज, क्या जो चेयर की शेडो चेंज होगी, हाँ होगी, अगर हम उसको थोड़ा सा भी मूव कर देंगे तो शेडो की जो शेप और साइज है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो, एक पतली सी आप नोटबुक ले लीजिए उसकी शेडो देखिए, देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लें उसकी शेडो देखें, लुक एट शेडो, दोनों की शेडो को कंपैरिजन करें। तो शेप दोनों का क्या होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड बुक, दोनों की शेप कैसी होगी, सिमिलर। तो क्या हम शेडो के बेस पे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरिफाई कर पा रहे हैं कि अब ये बॉक्स का है और ये बुक का, नहीं, हमें सिर्फ उसका आउटर स्ट्रक्चर दिखता है किसके अंदर, शेडो के अंदर। नेक्स्ट है टेक अ फ्लावर और अदर ऑब्जेक्ट डिफरेंट कलर, लुक एट देयर शेडो, आपको पता है कि फ्लावर्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, सम फ्लावर्स आर रेड कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, व्हाइट कलर, येलो, तो बहुत सारे कलर्स के फ्लावर होते हैं। तो यहाँ पर हम एक रेड रोज ले रहे हैं एंड येलो रोज, एक रेड रोज पिक किया एंड येलो रोज किया। अब हम उनकी दोनों की जब शेडो को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हमें डिफरेंस पता पड़ता है कि वो रेड रोज की शेडो है या येलो रोज की शेडो है, क्योंकि शेडो का कलर हमेशा और हमेशा कैसा होता है, आप बताओ कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है ना। तो डोज द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर, क्या शेडो का कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है, नो, हमेशा, क्योंकि शेडो ऑलवेज इन डार्क कलर, ब्लैक कलर, ओके। डू द शेडो लुक डिफरेंट इन कलर, नो, व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, अगर ऑब्जेक्ट के कलर भी डिफरेंट है तब भी शेडो कैसी बनती है बेटा, ब्लैक कलर में ही बनती है, डार्क कलर में बनती है, ठीक है। टेक अ लॉन्ग बॉक्स, एक हम लॉन्ग बॉक्स ले लेते हैं एंड लुक एट इट शेडो ऑन द ग्राउंड, अब उनकी शेडो को ऑब्जर्व करते हैं ग्राउंड में। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस, अगर आप बॉक्स को मूव करते हो तो आप देखते हो कि शेडो की जो साइज है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। व्हेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स इज शॉर्टेस्ट, आप बताओ कि बॉक्स की में शॉर्टेस्ट इमेज कम बनेगी, और व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन, और व्हेन द शॉर्ट साइड इज पॉइंटेड टुवर्ड द सन, लेट अस यूज द लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। अच्छा ये आप ऊपर वाला देखिए, अब शेडो बॉक्स की कब शॉर्टेस्ट बनेगी और कब लॉन्गेस्ट बनेगी, क्या आप बता सकते हो कि किस टाइम पे ऑब्जेक्ट की शेडो शॉर्ट होती है और किस टाइम पे ऑब्जेक्ट की शेडो जो है लॉन्ग होती है। तो आपके मॉर्निंग
एंड इवनिंग टाइम पे जो बॉक्स की इमेज होगी वो कैसी बनेगी बेटा, लॉन्ग बनती है, और आफ्टरनून टाइम पे सन एकदम बिल्कुल डायरेक्शन उसकी बिल्कुल स्ट्रेट होती है, उस टाइम पे जो बॉक्स की इमेज है वो कैसी बनेगी, सबसे शॉर्टन बनेगी। तो आफ्टरनून टाइम पे क्या होता है, इमेज शॉर्ट बनती है, मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे आप ऑब्जर्व करोगे कि हमारी जो इमेज होती है वो कैसी बनती है बेटा, लॉन्ग बनती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज ए पिन होल कैमरा, दिस टॉपिक वी डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास, ओके।